कोरोना वायरस संक्रमण के बीच करीब 3 महीने के बाद नीमच शहर में सैलून की दुकानें आज खुली है तो लोगों के साथ में दुकानदारों में उत्साह भी देखा गया है। दुकान खोलने से पहले शासन के नियमों के अनुसार सैलून दुकानदारों ने पूरा पालन भी किया गया है। जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने इन सैलून दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था कि करीब 3 महीने से हम अपने घर में बैठे थे, शासन के जैसे ही दुकान खोलने की गाइडलाइन आई तो थोड़ी राहत की सांस भी ली है। इस दौरान दुकानों पर सैनिटाइजर व दुकानदार पूरी तैयारी में नजर भी आए हैं। सैलून खुल गए हैं तो अच्छा है, आम जनता को राहत मिली है। सरकार ने जितना प्रयास करना था उतना सरकार ने प्रयास किया है, बड़ा हमारी जवाबदारी है, सरकार सैलून वालों की जवाबदारी है, साथ साथ आम जनता की जवाबदारी है। जो सैलून में आ रहे हैं उनको अपना सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर सैलून में आ रहे हैं तो अपना टॉवल साथ में लेके आए। सैलून वालों के ऊपर डिपेंड ना रहे, उनकी जवाबदारी लेके काम करेंगे दोनों दोनों जने तो बढ़िया है। कुल मतलब लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए थे कि सरकार ने जब से लॉकडाउन करा तब से हमारे सैलून, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो या गरीब वर्ग से हो, सभी के सैलून और दुकानें बंद थी, चाहे वो शहर में हो या गाँव में हो। और समय समय पर सरकार ने, प्रशासन ने लोगों को छूट दी और बाकी दुकानें खुली, पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने सैलून को छूट नहीं दी। आज जब प्रशासन ने कल गाइडलाइन जारी करके हमें छूट प्रदान की तो आज सैलून पर आप देख सकते हैं सभी सैलूनों पर भीड़ है। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।